तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा घर, मतलब जो मेन वाला घर है जिसमें लोग रहते हैं। हरी हरी उड़नी, कैसे हैं आप सब? तो मैं शांति स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और आज मैं आप सबको अपना घर का होम टूर कराने वाली हूँ। तो ये वाला स्पेस आप सब देखते ही हैं, इसमें सब्जियां हैं, फूल, वो तो बाद में दिखा देना, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये घर का एक एक पार्ट है, मतलब घर का पार्ट है, घर का दूसरा पार्ट है। यहाँ से एंट्री होती है गेट के अंदर। और घर में कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सफाई की है या चीजें इधर की उधर नहीं रखी है। प्रॉपर होम टूर का मतलब थे जैसा घर है वैसे ही देख लीजिए। रोज नए लोग जुड़ते हैं तो वो भी सोचते हैं कि घर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये चौकी रहती है जहाँ पे कोई भी आता है तो बैठता है। ये है जस्ट जैसे एंट्री मारते हैं हमारे घर का मेन, जो कि हमारा रूम है सबसे अलग। मत दिखा जो मैं दिखा नहीं सकती। दिखाने का मतलब है कि अब एक ही रूम है, वैसे अलमारी वगैरह हमारे पास नहीं है, तो सारी चीजें थोड़ी सी यहाँ पे बिखरी सिखरी पड़ी है, क्योंकि इंडक्शन भी इधर ही है, घर का सारे चीजें इधर ही है, तो इस रूम को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और अभी हम चलते हैं अपने दूसरे रूम की तरफ। तो जैसे हम अगल रूम, हाँ, उसके बाद यहाँ से ये वाला हिस्सा शुरू होता है। इस वाले हिस्से में ये है जो हमारा, वो है हमारा पूजा वाला घर, जो कि बहुत बड़ा घर है, मतलब ऐसा नहीं एक रूम के बराबर है, जो बहुत ज्यादा आप देखेंगे ना यहाँ तक लिपा गया है। इसमें स्लीपर खोल दो साइड में, इसमें कोई जैसे मैं चली जाती हूँ, कोई ऐसे ही दिखा देते हैं आपको, इधर ही से बस दिखा देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे। इसमें हमेशा एंट्री नहीं होती है, आप ऐसे भी या कैसे भी इसमें नहीं जा सकते हैं। बहुत ही ठाकुर जी हमारे, बहुत शुद्ध घर है और उनके यहाँ पे हमारे यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं बनता है, रोज उनकी पूजा होती है, मतलब भोग लगता है प्रॉपर। तो अरे लाइन मार दी हो तो इसलिए और ये रहा आंगन, ये रहा आंगन जो चारों तरफ से ऐसे मतलब वो बनाया गया है। और ये एक गेट है जो हमारे ही रूम का है, ये एक दरवाजा जो हमारे रूम का है, ये वाला दरवाजा, ये वाला जब घर बना था रूम तो आज ही के लिए बना था कि इसमें आज ही रहेंगे, लेकिन आज ही नहीं रहती है यहाँ पे, तो स्टोर रूम बन गई है। तो ये स्टोर रूम बना दिया गया है जो कि बड़ा है, पता नहीं हम तो लग रहा है पहली बार देख रहे हैं ना आने, मतलब बहुत टाइम के बाद मैं इस रूम में आ रही हूँ, कई सालों के बाद में आ रही हूँ, पता नहीं यहाँ पे सब ड्रम चावल बक्से, पता नहीं हम लोग तो जाते ही नहीं, ज्यादा जानकारी हमें है नहीं ज्यादा रूम के बारे में। और यहाँ से जब हम इधर के साइड में आएंगे तो इधर से इधर छत की सीढ़ी जाती है, छत पे भी घर है एक, हाँ। और इधर वॉशरूम बनना था उस टाइम पे, लेकिन ये वॉशरूम बना नहीं, तो ये मेरे आजी ने ही गोइठा बना के रखा है, जितना भी है इसमें, तो इसमें लकड़ियाँ वगैरह रहते हैं। ये जो रूम है इसको मैं ओपन करके नहीं दिखा सकती, मैं आपको ऐसे खुला है दिखा दूँ, खुला है, खुला है कुछ है, बड़े पापा और बड़ी मम्मी रहते हैं इसमें, लेकिन ये रूम जो है वो छोटे वाले अंकल का है, छोटे वाले अंकल का है, तो हमें ज्यादा वो नहीं है और पता नहीं जो कुछ भी हो इस रूम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, हम नहीं आते इस रूम में। और इसके बगल में भी एक रूम है जिसमें हम नहीं जाएंगे, और हमें नहीं मतलब है क्योंकि हमें ज्यादा मतलब कुछ वो नहीं है, तो बस हमें अपने रूम से मतलब है। बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, रूम बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं है। इधर खाना पता नहीं क्यों बनता है, ये वाला भी एक रूम है जो अंदर से दरवाजा था, अब इधर खाना क्यों बनता है ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि किचन है फिर भी ऐसे खाना बना के मतलब हम लोग भी बना देते हैं यहीं पे। और ये जो है यहाँ पे भी एक रूम है, ये जो रूम है वो बड़ी मम्मी का रूम है, जिस जो लॉक है अभी वो है नहीं रूम पे, तो वो रूम पे है नहीं तो उनका रूम लॉक रहता है। और नहीं अभी गई है कहीं बाहर, मतलब बाहर ही गई है कहीं, रहती यहीं पे है, रहती यहीं पे है। ये रूम भी बहुत बड़ा है क्योंकि ये रूम ना पहले हमारा था, लेकिन बहुत तुम्हारी शादी इसी बहुत रूम में हुई थी, बहुत दुख भरी कहानी है, इस रूम के बारे में बात नहीं करेंगे। और ये वाला जो रूम है वो किचन है हमारा, जो कि प्रॉपर बहुत बड़ा है, ये चिमनी है, ये चिमनी है जो ऊपर तक गई है पूरी, धुआं एकदम ऊपर तक, चूल्हे पर बनता नहीं है, चिमनी को बनवाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी हमको भी, हमको भी याद है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता था, बस मैं और मेरी गोलू, मतलब दूसरे ने बाबा, मेरे बड़े पापा, तीन लोग ही थे जो इस पूरे घर को बनवाए हुए है। और क्या हाल कर दिए यार लोग, ये बहुत बड़ा किचन है, अगर इसको मेंटेन करके रखा जाता तो बहुत अच्छे से रखा जा सकता है। ये रहा इंडक्शन, यहाँ पे गैस रखना चाहिए तो बड़ी मी बाहर रखती है, वो अपने सहूलियत के हिसाब से जैसे, हाँ, क्योंकि अकेले रहती है, कुछ कह नहीं सकते प्रॉपर। ये जो कुछ भी है थोड़ा बहुत यहाँ पे चीजें हैं, इधर सब्जियां रखी गई हैं, तो ये एक बड़ा सा किचन है।
और इसके बाद मैंने 8 रूम है ऊपर नीचे मिलाकर, क्योंकि ऊपर भी रूम है और एक बाहर भी है जहाँ आजी रहती है वहां भी रूम है और बरामदा है, ऊपर छत है, छत के ऊपर भी एक रूम बनाया हुआ है। तो ऐसे करके हमारा जो है, आई होप कि समझ पाएंगे आप लोग। चलिए थोड़ा सा मैं आपको छत पे दिखा देती हूँ। तो हम चलेंगे छत पे, दम अंधेरे में बोल रही हूँ, फ्लैश चला देती हूँ। तब छोड़ो, आज ही इसमें भी चढ़ जाती है। हाँ आज ही चढ़ जाती है, ये फूल गिर गया। वाह दीदी, होम टूर में इसे गाना सुना ले बाकी रहला। एक बार हमने और दीदी खातिर कनिया के, ए दीदी तुमको याद है जब तुम अरमने को छोड़ के 2 महीने के लिए आई थी, हम लोग इस वाले रूम में रहते थे। तो ये रहा एक छत पे एक रूम है जो कि लकड़ियां है, नीम का पेड़ था उसकी लकड़ियां कटी, इसमें से बहुत सारे चीजें बनी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इधर भी एक चौकी है और छत से ना व्यू बहुत अच्छा आता है, पूरा गांव दिख जाएगा आपको। अरे तुम बहुत ज्यादा छत पे आके बैठ जाओ, नहीं यहाँ पर उदास तो हो ही नहीं सकता। ये रहा छत हमारा, वो जो घर है वो हमारे बड़े बाबा का है, मतलब मेरे बाबा 2 भाई थे, एक हमारे बाबा और एक बड़े बाबा, यहाँ से लेके वहाँ तक का है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक का है। और ये रहा हमारा आंगन, दोनों बराबर है इतना। ये रहा हमारा आंगन भी, मतलब देखिए कई बीघे में है। ये रहा आंगन, पेड़ हैं बहुत सारे, वहाँ पे दादी बैठी हैं और इधर से सबके घर में फूल लगे हैं। और यहाँ पे सबकी एक खासियत है, सबके घर में नीम का पेड़ जरूर मिलेगा, कुछ भी मिले या ना मिले, लगभग सब बहुत सारे पेड़ हैं। अभी तो बहुत कम हो गए, कम भी है तो भी सबके घर में एक एक तो है ही। किसी का घर है, किसका घर है दीदी? और जो हम लोग का ये वाला घर बना था, अच्छा शोर मच गया था। अनीता को पता होगा ना ये घर, स्पेशली हम तुम्हारे लिए दिखा रहे हैं, तुम समझदार हो, समझ जाना। हाँ अनीता चढ़ाते हैं, फलिंदर चाचा का घर है, फलिंदर चाचा का घर है। हाँ हाँ, तो क्या मैं शेयर कर रही थी आप लोग, जब हमारा ये वाला घर बनना स्टार्ट हुआ तो मिट्टी भर के पिलर पे बना, तो पूरे गांव में शोर हो गया था, अरे उनका घर बना था तिवारी जी का, बहुत भारी घर बना था, घर बहुत बड़ा है। यहाँ पे ना आंगन में इस तरीके से जाली डाली गई है। चलो ठीक है, बालकनी बना है ना, बालकनी बना है, भले ही गांव वाला स्टाइल का हो लेकिन बना जरूर है। यहाँ से आइए, अब किसका घर दिखाओगी? मैं नहीं जा पाऊंगी, सॉरी। चलो आ जा, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और मैं ऐसे ना बैठे बैठे एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें मुझे पता चला कि जो ये पॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उससे हमारे स्किन से रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे खुद यकीन नहीं था। जैसे कि डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, साथ में जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है, डार्क स्पॉट हो जाते हैं, पिंपल, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और इनसे जो आप देखते हैं कि हमारा फेस कितना ज़्यादा डल, डैमेज और ख़राब सा लगता है, और इसका मैं सच बता रही हूँ कि इसका सीधा इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। हमारे फेस पर अगर एक पिंपल भी जाता है तो हम कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, महिला है या पुरुष है, वो वर्किंग वुमेन्स है, वर्किंग मैन है, जो कि बाहर जाते हैं, काम करते हैं, जिससे कि हमारे स्किन में पॉल्यूशन और हमारे स्किन से तो रिलेट हो ही जाता है। और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे स्किन में ऐसे ऐसे, जैसे कि पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने पोर्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत सारी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल है। ऐसे में हम सोचते हैं कि ऐसे कौन सा सोल्यूशन है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं अपने फेस पे जिसके तुरंत आपको शायद रिजल्ट मिल जाए, लेकिन बाद में देखते हैं कि बहुत सारे हमें दुष्परिणाम भी झेलने पड़ जाते हैं। सो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ है नेचर श्योर का पोर्स एंड मास्क प्रीमियम फेशियल ऑयल। नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं किया गया है, ये एक नेचुरल तरीका है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हमारे फेस के लिए। क्योंकि इसकी कुछ बूंदे जब हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको आप सबके साथ शेयर करूंगी।
तो जिससे कि हमारे फेस पे धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मास्क की प्रॉब्लम हो जाती है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। नेचर श्योर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी इससे रिलेटेड चीज है तो उनका भी लिंक दे दूंगी, जहां पे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं वो भी फ्री में, और आपको अपने पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। तो चलिए हम दिखा देते हैं कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं और इसमें ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल हर एक स्किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसे मेन वीमेन कोई भी यूज कर सकता है। इसमें मोरिंगा और लिफेरा है जो एक नेचुरल हर्ब है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। आयुर्वेदा में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इससे अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए, सी, कैल्शियम, पोटेशियम होता है, जो हमारी स्किन को पिंपल्स, मार्क्स, ओपन पोर्स, यूवी रे जैसी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है। ये ऑयल हेल्प करता है पिंपल एंड स्किन डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में। ये इस ऑयल को आप डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करिए और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, जो आप खुद देख सकते हैं। इस प्रोडक्ट का बाय लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इस ऑयल को परचेज कर सकते हैं। इसकी कुछ बूंदें आपको लेनी है और आपको फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करना है, और इसके अमेजिंग रिजल्ट आप देखेंगे कि आपके स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम का ये ऑयल सोल्यूशन वाला घर, क्योंकि ये नया बना है और क्योंकि मिट्टी वाले घर तो सारे गिर गए, सारे मतलब वैसे हो गए, तो अभी चलिए मैं थोड़ा ये नया वाला घर है हम लोगों का, क्योंकि कितना टाइम हुआ इसको बने, बहुत टाइम नहीं हुआ है, 2008 में ये घर बन के तैयार हुआ है। तभी हो रही थी कि मेरी शादी अभी नहीं होगी, अभी तो हमने घर बनवाया, इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं वो हमारे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़मीन है। हाँ, वहाँ पे भी घर है हमारा, वहाँ पे जो दिख रहा है बगल में कटरा बनवाना है, वो जो कटरा खत्म हो उसके बाद हमारा ही शुरू हो रहा है। चलो नीचे दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो ये रहा घर के बगल में एक छोटा सा स्पेस, जिसमें धनिया, करेला, पता नहीं क्या क्या सब, भिंडी, फूल, टमाटर, छोड़ है वो, देखेंगे छोड़। हाँ, पहले जमाने में ढूंढा, मतलब ढूंढा मींस जो लाई के लड्डू होते हैं गुड़ वाले, वो बना के उसे पूरा भर के रखा। अरे नहीं, पहले जमाने में स्टोर करने के लिए मिट्टी के ही बर्तन होते थे। ठीक है, लेकिन मैं हम लोग प्लास्टिक के ड्रम ये सब नहीं होता था, देख पहले कितने वो। चलो मम्मी घूम के आ गई है, तो चाय बनो। तो ये रहा, और यहाँ पे पूजा वाला पहले घर था। पहले दादी को दिखा दो ना। हाँ। दादी कब से, दादी इसलिए यहाँ क्यों रहती है, बहुत सारे लोग के मन में है वो इसलिए यहाँ रहती है कि बोर हो जाती है वहाँ पे, बोर हो जाएंगी अगर वो कहती मैं घर में नहीं रहूंगी। अगर वो बड़ी मम्मी कहीं जाना पड़े, जैसे मैंने बताया था कल वाली वीडियो में कि उसमें घुटन सी होती है, घुटन सी होती है, यहाँ एकदम फ्रेश फील होता है। ये सब देखती रहती है चारों तरफ, आता जाता है चिड़िया, तितली, कितनी सारी तितलियाँ उड़ रही है, चिड़िया उड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली आते रहते हैं सब। तो ये रहा बरामदा, जो इतना बड़ा है, सबके द्वार पर ऐसे बरामदे होते हैं, यहाँ पे 10-20 लोग रहते हैं, यहाँ पे 2-4 रूम है, एक दूसरा तो नहीं है, इसमें पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, वही कबाड़ है। ये बड़ा सा रूम है, बस दिखने में लग रहा है कि छोटा सा है, क्योंकि इसमें ना भूआ की गाय रहेंगी तो भूसा रखा जाएगा। अरे उसको बाहर निकालो, बोलो बंद करते नहीं, चल छोड़ उसको। ये रहा अलमारी, ये रही हमारी दादी, चलो नहीं चलो। तो यहाँ पे सब स्पेस है जो हमने कल की वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था। तो ये रहा हमारा माइके का, लेकिन फूल दिखा दो, कितने सारे तो पौधे हैं आप दिखा दो, क्योंकि मैं ना थोड़ा जा रही हूँ चेंज करने। आ जाओ, 2 मिनट आ जाओ, दिखा दो सपोर्टेशन। हाँ, सपोर्टेशन ही होता है वो, चला पूरा। अब तो प्रोनाउंस के लिए सही चाहिए कि घर में का होला। देख मिर्ची, टमाटर, गोभी, टमाटर कहा था रिया जी की पागल नहीं होता। ये रहा गेंदे का फूल, होता ना पागल बा, बगलिया में देखो एकदम लाल पकेट होता है, ले जाला है। और ये रहा टमाटर, टमाटर का ये पौधा है बगल में, बगलिया में नीचे वाला देखो। तो यहाँ पे बैगन और टमाटर और क्या है दीदी, मिर्ची है, मिर्ची है, फिर उधर कुछ साग है, सेम साग, नीम के पेड़ है, और यहाँ पे दो दो नीम का पेड़ है, वॉशरूम नहीं यहाँ पे दो है, एक ये है एक उधर है। हाँ वॉशरूम दो है, बाथरूम, एक बाथरूम वॉशरूम इधर है अलग से,
और उधर वो है पुरुषों का है ये वाला, और ये रहा मेन गेट जो जो हाँ जो बाबा का नाम है। और इधर भी कुछ पौधे हैं, यहाँ पे भी एक नीम का पेड़ है, यहाँ पे नीम है और एक आम है। छोड़ो जल्दी छोड़ो तितलियाँ, आओ आओ बैठो। और ये रहा यहाँ पे गुलाब का पौधा है, कनेर भी है इधर, कनेर गुलाब चढ़ता है दुर्गा माता को रोज यहाँ पे, गुलाब का है, तुलसी माता है यहाँ पे, और भी कुछ गेंदे का फूल है। फिर उधर उधर उसको अड़हुल बोलते हैं ना, गुड़हल, गुड़हल का वो है और वो कनेर का है ना, बहुत सारे फूल है उधर, रात रानी भी है, बहुत सारे मतलब फूली फूल है, फूली फूल है, कहाँ घुस घुस के आपको दिखाएं, हर जगह पता नहीं क्यों ये अपनी साड़ी फंसाती है। के मूड में है ये रहा तितली, आज का हमारा तितली बादल बड़ी सुंदर ना, होम टूर तितली दोनों झगड़ा कर ले, हाँ फूलों का जूस आप ये खाती। तो ये रहा हमारा होम टूर, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो ढेर सारा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देख के खुश रहिए। हाँ और एक सेकेंड अच्छे अच्छे कमेंट करिए, हम उसको पढ़ते हैं और बहुत खुश होते हैं पढ़ पढ़ के, सारे लोगों का हम लोग कमेंट पढ़ते हैं। पहले मेरे बाछी को रात लेती है छुट्टी को, चलो ठीक है मिलते हैं फिर कल, बाय बाय। ये तितली तुम लोग के चारों तरफ मंडरा रही है, कहाँ भेजे पकड़ी गई वो, चलो ठीक है बाय बाय।